राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग। यहाँ तो संसार में भैया जी ऐसी स्थिति है कि स्वार्थ सिद्धि न होती हो तो सगे भाई को भरे बाजार में व्यक्ति कह देगा कि हम नहीं पहचानते कौन है, नजर उठा के बात तक नहीं करेंगे। सुख के सब साथी दुख में न कोई। इस भयंकर बीमारी ने तो सिखा दिया है, इस भयंकर बीमारी को देख के भी किसी के मन में वैराग्य न जगे तो निश्चित ही वह शोचनीय है। कहां प्रेम सौहार्द चला जाता है लोगों का पता नहीं है। महाराज जी मोबाइल से दिखा देते हैं कि ये हो रहे हैं तुम्हारे प्रियजनों का संस्कार, सफाई वाले लोग होते हैं वो उठा के रख देते हैं, एम्बुलेंस पास तक पहुंच जाती है और दो तीन लोगों को जिनको अनुमति होती है दूर से खड़े होके दिखा देते हैं वो जल रहा है। महाराज जी केवल एक संस्कार बचा था अंत्येष्टि, वो भी लुप्त हो गया था शास्त्रीय विधि से तो रही नहीं, लेकिन अब इसके बाद क्या तो द्वादशा क्या दशा क्या एकादशा क्या त्रयोदशा क्या करेगा, कैसा विकट समय आया। गो हत्या का पाप, भ्रूण हत्या का पाप, गर्भ हत्या का पाप कैसा सिर चढ़ा सारे संसार के, अनाचार अत्याचार व्यभिचार पापाचार का पाप कैसा सबके सिर पर चढ़ा। के पहले कोई हत्यारा होता था ना तो कहते थे भैया पंच लोग कहते थे कि इसका मुंह बांध दो, तो वो अपना मुंह ढक लेता था और मुंह ढक करके गंगा जी जाता था पैदल पैदल। पुराने पंच लोग कहते थे भैया तुमसे गलती हो गई, अब तुम जाओ प्रयाग गंगा जी त्रिवेणी स्नान करके आओ, तो वो मुंह पे ऐसे गमछा बांध लेता था। भगवान ने कहा सबके मुंह पे गमछा, सबका मुंह बंद हो गया। हत्या के परमाणु ऐसे व्याप्त हो गए वातावरण में, गोहत्या के बाल हत्या के, कितनी दुखद बात आई। जिस संस्कार से मनुष्य की अच्छे लोकों में गति होती है, इस विकट भयंकर परिस्थिति ने वो स्थिति सामने ला दी है कि वो अंत्येष्टि संस्कार भी ठीक से नहीं हो पा रहा है। बड़ी पीड़ा होती है, कितने प्रिय कितने परिजन कितने अच्छे भले लोग भी इसमें चले गए। रोज संदेश आते हैं वो चला गया ऐसा हो गया वैसा हो गया। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सभी जो लोग इस महामारी से जा रहे हैं भगवान सब पर कृपा करें। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता।